नमस्कार, आप कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं और कितने जबरदस्त गेंदबाज हैं, इसकी परख टेस्ट क्रिकेट में ही होती है, जहां लगातार 5 दिनों तक आपकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए कहते हैं कि असली क्रिकेट तो टेस्ट ही है, लेकिन जब से T20 क्रिकेट आया है, दर्शकों का तो टेस्ट क्रिकेट से मोह ही भंग हो रहा है। क्रिकेटर भी अब तो टेस्ट क्रिकेट खेलने से बचते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर जैसे स्टार गेंदबाज, जिन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के लिए टेस्ट से संन्यास ले लिया है। इन बड़े क्रिकेटरों के इसी रवैये को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज शोएब अख्तर इस कदर भड़क गए हैं कि अगर उनका बस चले तो ऐसे क्रिकेटरों को पाकिस्तान के लिए खेलने ही ना दें। कभी अपनी गेंद की रफ्तार से बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले पूर्व तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर यानी शोएब अख्तर आजकल पाकिस्तानी क्रिकेटरों से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक से बेहद खफा हैं। पाकिस्तानी टीम की कभी स्कूल की टीम से तुलना करने वाले शोएब अख्तर ने इस बार टेस्ट क्रिकेट से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बेरुखी को देखकर अपनी नाराजगी जताई है। जिस कदर पाकिस्तानी क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में खेलने से बच रहे हैं, उसे देखकर भड़के शोएब अख्तर ने क्रिकेट पाकिस्तान से बात करते हुए कहा कि अगर नीतियां मेरे हाथ में होती तो मैं खिलाड़ियों से कहता, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना ही होगा। मैं आपको मैनेज करूंगा, मैं आपको स्टार बनाऊंगा, मुझे 1 साल में 12 टेस्ट चाहिए और साथ ही मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। फिर भी अगर कोई प्लेयर ज़रूरी काम नहीं करते हैं तो उन्हें कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आप T20 क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। T20 क्रिकेट के लिए टेस्ट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटरों से शोएब अख्तर इस कदर खफा हैं कि उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया है कि जो प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं उन्हें T20 क्रिकेट में भी खेलने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को युवाओं में निवेश करना चाहिए और भविष्य के लिए उन्हें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाना चाहिए। अगर वो टेस्ट यहां नहीं खेलना चाहते तो मैं उनसे कहूंगा कि वो T20 क्रिकेट भी ना खेलें और घर जाकर आराम करें। मैं 16 साल के बच्चों के साथ काम करना पसंद करूंगा। मैं पूरे पाकिस्तान से लड़कों को लाऊंगा और उनमें निवेश करूंगा। शोएब अख्तर ने यह भड़ास सिर्फ इसलिए निकाली है क्योंकि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जैसे तेज गेंदबाजों के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद पाकिस्तान के पास टेस्ट में वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2009 में टेस्ट में डेब्यू करने वाले मोहम्मद आमिर ने साल 2019 में संन्यास तो ले लिया था। इन 10 सालों में उन्होंने सिर्फ 36 टेस्ट मैच खेले और 119 विकेट हासिल किए। हालांकि साल 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से खफा आमिर ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, जबकि वहाब रियाज ने भी टेस्ट क्रिकेट से एक तरीके से छुट्टी ही ले ली है। वो भी इन दिनों टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे और दूरी बना ली है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वनडे और T20 क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं वहाब रियाज। बहरहाल, शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर गुस्सा उतारते हुए जो ये बात कही है कि अगर मेरा बस चले तो जो टेस्ट नहीं खेल सकते उन्हें वनडे और T20 भी नहीं खेलने देना चाहिए। लेकिन क्या आप शोएब अख्तर की इस बात से सहमत हैं कि हर प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट खेलना ज़रूरी कर दिया जाए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।